हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में स्टाइलिश पॉइंट को अगर सेट करना चाहते हैं, यानी कि आप स्टाइल में सारा चीज़ का लिखावट करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप अच्छे से ऐसे स्टाइलिश वाला पॉइंट को आप सेट कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर देखिए, जो कि सारा चीज़ लिखावट आ रहा है, तो इसमें स्टाइलिश वाला लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से लिखना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या मेरे चैनल को पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के रोज़ नया वीडियो लेकर आते रहता हूँ, तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कोई भी आपका मोबाइल हो, जैसे रेडमी, वीवो, MI, जो कोई भी हो, सारा कोई भी मोबाइल में आप इस सेटिंग को कर सकते हैं और स्टाइलिश में पॉइंट को आप सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग को जैसे ही ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए नीचे आना है, इस प्रकार से स्क्रॉल कर लेना है। जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक सेटिंग आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिस्प्ले बैरिक्स, जो कि इसमें बैरिक्सन लिखा हुआ है। किसी में केवल डिस्प्ले लिखा हुआ रहता है, किसी में डिस्प्ले और चीज़ रहता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, या फिर आपके मोबाइल में कुछ भी हो, डिस्प्ले अगर लिखा हुआ है तो आपका वही सेटिंग है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ड्रैंक मोड में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो यहीं से भी आप उसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लाइट मोड में मैंने रखा है, आप ड्रैंक मोड में भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीन बैरिंग्स है, तो इसे भी आप अगर लाइट को बड़ा मतलब बढ़ा सकते हैं, जैसे कि लाइट तेज रहेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा मैं कम कर दिया हूँ, लाइट देखिए ज़्यादा उतना ज़रूरत नहीं है उसके बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कॉलर स्कैम, अगर आप कॉलर को स्कैम मतलब जो कि स्क्रीन पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसे अगर आप कॉलर को चेंज करना चाहते हैं तो उसे यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर प्रकार के कॉलर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप इसमें से कोई भी कॉलर को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। मेरा आखिरी बात था जो कि स्टाइलिश पॉइंट, जो कि ये सारा चीज़ लिखावट जो दिख रहा है उसको हमको स्टाइलिश में करना है। तो किस प्रकार से स्टाइलिश में करना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉन्ट, फॉन्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है फॉन्ट पे, फॉन्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार के, यहाँ पे देखिए बहुत सी स्टाइलिश रंग बिरंगी यहाँ पे फॉन्ट आ गया। तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें से अगर आप कोई भी लेते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए पैसा पे करना होगा। तो यहाँ पर देखो जो कि साइड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ पे करना है। अब मैं आपको फ्री वाला दिखा देता हूँ कि फ्री वाला में क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए जो कि स्टाइल रिमिक्सिंग जो यहाँ से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इस यहाँ सारा चीज़ फ्री वाला है, तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे भी है फ्री वाला, तो इसमें से भी आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ तक ये देखिए फ्री है, अगर इसमें से कोई भी आप सेट करना चाहते हैं तो उसे आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपको पसंद है, मैं आपको सेट कर देखिए, मैं एक आपको सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे सेट कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप डाउनलोड कर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अप्लाई इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो ये देखिए आपका सारा चीज़ में सेटिंग में आपका ये सेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बैक आ गया। यहाँ पर देखिए सारा सेटिंग मेरा यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से पॉइंट में चेंज हो गया। तो और मैं अगर आप इससे बड़ा छोटा करना चाहते हैं लिखावट को, तो मैं उसे भी आपको बता देता हूं। तो फिर से आपको वहीं पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद फॉन्ट ऑफ सेटिंग पे क्लिक करना है। अगर आप लिखावट को छोटा करना चाहते हैं, अगर छोटा छोटा में आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये देखिए दिया हुआ है, आपको इसे इस प्रकार से पीछे की ओर स्क्रोल करना है। जैसे करेंगे तो ये देखिए छोटा इस प्रकार से लिखेगा, देखिए छोटा छोटा सारा चीज़ लिख रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट पे आपको फॉन्ट सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसे इस प्रकार से बढ़ा देना है। जैसे ही साइज को यहाँ पे बढ़ाते जाइएगा, आपका साइज बढ़ते जाएगा, तो यहाँ से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टाइलिश
स्टाइलिश फ़ॉन्ट को आप सेट कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक आपको समझाने के लिए ये सेट किया हूँ, अगर आपको इसमें से जो भी पसंद आए आप उसे सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जो कि फ्री वाला भी बहुत दिया हुआ है, जो कि मेरा रेडमी का फ़ोन है। इस वजह से अगर आपका कोई भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा सेटिंग का है कि सभी मोबाइल में लगभग फ्री में बहुत ही देता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है, इसमें से जो भी पसंद आए आप उसे सेट कर लीजिए। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद अपने मोबाइल को आप जो कि स्टाइलिश वाला बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैंने सेट किया, यहाँ पर देखिए सारा ऐप के नीचे लिखा हुआ आ गया। तो इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के रोज़ नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।